इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहु। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। आज की अहम खबरों पर एक नज़र। एक तरफ सियासी हुकूमत की जानिब से बजट का ऐलान किया तो दूसरी तरफ कांग्रेस की जानिब से बढ़ती महंगाई के खिलाफ बेलगाम में एहतजाज किया गया, लिहाजा आज बेलगाम कांग्रेस दफ्तर से एहतजाजी जुलूस का एहतमाम यूथ कांग्रेस की जानिब से किया गया, जिसमें कसीर तादाद में यूथ कांग्रेस के कारकुनान ने हिस्सा लिया। बेलगाम यूथ सदर सैफ सेठ की सदारत में चन्नम्मा सर्कल में कुछ देर तक रियासत और मरकजी हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की और लकड़ी का चूल्हा जलाकर एहतजाज किया, पुरजोर मजम्मत की गई। मीडिया के सामने कांग्रेस यूथ कैद सैफ सेठ ने कहा कि रियासत और मरकजी हुकूमत ने जिस तरह गरीब आवामों को लूटने का काम शुरू किया इससे पहले कभी नहीं हुआ था। पेट्रोल डीजल गैस की बढ़ती कीमतों के जरिए पेट्रोल पंप भाजपा हुकूमत में लूट के अड्डे बने हुए हैं। हमेशा झूठे वादे ही आवाम को दिए गए, मेहनत कश आवाम की जेबों को लूटा जा रहा है। रोजमर्रा की जिंदगी जीना गरीब आवाम के लिए काफी मुश्किल हो चुका है। लिहाजा अपने गुस्से का इजहार करने के लिए आवाम सड़कों पर उतरी हुई है और जब तक महंगाई कम नहीं होगी कांग्रेस की जानिब से एहतजाज करते रहेंगे, ऐसा कहा इस वक्त आपके व्यापारी नुमान मुकाशी, पवन राठौर, जुहेब सिद्दीकी, रफीक बांदार और दिगर जिम्मेदारान मौजूद थे। चन्नम्मा सर्कल से होते हुए डीसी कंपाउंड पहुंचकर अपना मुतालबा पेश किया। जो हमारा आज का विरोध है बीजेपी सरकार के खिलाफ, वो खासकर ये लोगों में एहसास दिलाने के लिए है कि जो हिसाब से पेट्रोल डीजल गैस का रेट बढ़ रहा है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा हम टैक्स और सब्सिडी भर रहे हैं। 2008 में कच्चे तेल का भाव था $110 पर भी यूपीए की गवर्नमेंट उसे बेचा करती थी 45-50 रुपीस में, उससे ज़्यादा कभी भी नहीं बढ़ा। आप अगर देखेंगे तो 2012-2013 में 2,52,000 करोड़ टैक्स कलेक्ट हुआ, 2016-2017 में 3.5 लाख करोड़ टैक्स कलेक्ट हुआ, 2017-2018 में 5.5 लाख रुपए टैक्स कलेक्ट हुआ। तो आप देखिए 2011 से लेकर 2018 तक कम से कम 2,50,000 टैक्स इन्होंने बीजेपी सरकार ने हमारे पास से कलेक्ट किया है। एक तरफ से हमें आश्वासन देते हैं कि हम ज़्यादातर इथेनॉल पे और गो ग्रीन होने पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, बट वही दूसरी जगह हम लोग के जो डेली रात के खाने वाले लोग हैं उन लोग के ही जेब से पैसा लूट के पेट्रोल पंप को लूट अड्डा बना दिया है। अभी पेट्रोल पंप नहीं रहा, वो बीजेपी सरकार का लूट अड्डा बन गया है। और मैं ये सबसे कहना चाहूँगा, ये जितने भी लोग यहाँ मौजूद हैं वो अपने घर बार सब छोड़ के, काम छोड़ के यहाँ पे किस लिए आए, क्योंकि डेली लाइफ में लोगों को बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है, बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है। मैं मोदी सरकार से ये एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप जो लोग हैं ग्राउंड लेवल पे आके, आप वो लेवल पे आके देखिए, आप गुजारा करके देखिए, आपसे नहीं हो पाएगा। आपको खाली बड़े बड़े कंपनियों को उठाने में और आपका जो फायदा हो रहा है वो चीज़ में आप लगे हुए हैं, बट आप आके रास्ते पे आके देखिए, जो लोग 3,000 से अभी 24% इंडिया का जो पॉपुलेशन है उनकी पावर्टी लाइन बिलो 3,000 है, उनकी सैलरी बिलो 3,000 है, तो आप वो लेवल पे आके देखिए, तब आपको समझेगा कि डेली जो रोजगार है और डेली रात के खाने वाला है उसको कितनी तकलीफ हो रही है और वो किस परिस्थिति से। येडियुरप्पा हुकूमत ने बजट का ऐलान किया जिसमें बेलगाम के दो अहम प्रोजेक्ट से यानी मंसूबों के लिए रकम मंजूर की है। वज़ीर आला बीएस येडियुरप्पा ने 2021-22 के लिए तकरीबन 2.5 लाख करोड़ मंजूर किया है। मौजूदा बजट में बेलगाम रिंग रोड जमीन के लिए 50% यानी 140 करोड़ मंजूर किया, तो मरकजी हुकूमत की जानिब से बकाया 140 करोड़ दिए जाएंगे जिसमें रिंग रोड बनाया जाएगा। इसी तरह धारवाड़ कित्तूर बेलगाम तकरीबन 76 किलोमीटर रेल सड़क के लिए 463 करोड़ रुपए मंजूर किए गए। कित्तूर किले के लिए भी रकम मंजूर की गई। इस तरह 19 जिलों में 100 तालुकाओं में अस्पताल को मंजूरी दी गई। वाजह है कि इस बजट में किसी तरह के टैक्स को नहीं बढ़ाया गया। तकरीबन 15 अपराधों के गिरोह ने दो लोगों पर जानलेवा हमला करने से दो अपराधी जख्मी हुए। हासिल इत्तला के मुताबिक सुहेल पाशा और पुरखान को 10-15 अपराधों ने घेर कर मैसेजेस के बहाने जानलेवा हमला किया, जिसे दोनों जख्मी हुए जिन्हें बाद में अस्पताल में दाखिल किया गया। खड़े बाजार पुलिस थाने में मामला दर्ज किया हुआ। यह भी इत्तला हासिल हुई है कि हुतात्मा चौक के करीब यानी कि कावेरी कोल्ड ड्रिंक के करीब कुछ शर पसंद नौजवान हमेशा वहाँ एक माहौल बनाकर
बिगाड़ने की कोशिश करते रहते हैं, वहाँ एक टोली बनाकर वो खड़े रहते हैं। लिहाजा इन्हें सीसीटीवी फुटेज के जरिए इनकी शनाख्त की जाए और इनकी फौरी गिरफ्तारी अमल में लाए, ऐसा अवाम का मुतालबा है। खड़ा बाजार पुलिस थाने के एसीपी धीरज शिंदे ने 12 अपराधों पर मामला दर्ज किया हुआ है। फुरखान एरगट्टी की फरियाद पर मुकदमा दर्ज किया गया है। शहर में बढ़ती गुंडागर्दी पर रोक लगाने की मांग भी शहर में की जा रही है और कानून को हाथ में लेकर निहत्तों पर हमला करने वालों पर सख्त कानूनी कार्रवाई करें, ऐसा मुतालबा भी आवाम की जानिब से किया जा रहा है। एसीबी यानी एंटी करप्शन ब्यूरो की जानिब से पूरी रियासत में छापेमारी की गई, जिसमें अहम अफसरान के घरों पर भी छापे मारे गए। बेलगाम में भी 9 अफसरों के साथ कुल 28 जगहों पर छापेमारी की इत्तला हासिल हुई। बढ़ती रिश्वतखोरी को रोकने के लिए इस काम को अंजाम देने की बात की जा रही है। बेलगाम सर्कल के इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर हनुमंत चिकन्नावर के घर और दफ्तर पर छापा मारा गया और तफ्तीश जारी है। पूरी रियासत में छापेमारी की इत्तला हासिल हुई। एसीबी के 50 से भी ज्यादा अफसर और 180 के करीब आमिले के साथ कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। अभी भी सेक्स सिटी का तूफान थमता नजर नहीं आ रहा, पर आज खुद रमेश जारकिहोली ने पहली मर्तबा यानी कि सिटी कांड के बाद पहली मर्तबा साफियों के सामने बात करते हुए कहा कि यह एक साजिश को मेरे खिलाफ अंजाम दिया गया। मैं जानता हूं कि वो लोग कौन है और साजिश को कहां अंजाम दिया गया। आज भी उन्होंने उस सिटी को फर्जी करार देते हुए बड़े ही जज्बाती अंदाज में रमेश जारकिहोली ने 50 लाख नहीं बल्कि 5 करोड़ रुपए खर्चा किया गया, ऐसा भी कहा। उन्होंने आगे कहा कि अपने सियासी करियर को खत्म करने की साजिश बताते हुए यह साजिश यशवंतपुर के ओरियन मॉल के करीब अपार्टमेंट में अंजाम दी गई है। सीडी में जो शख्स है वो मैं नहीं हूँ, ऐसा भी इनका बार बार कहना है। खासकर उन्होंने कुमार स्वामी का शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने ऐसे मुश्किल वक्त में इनका साथ दिया, जल्द साजिश करने वाले गिरफ्त में आएंगे, ऐसा भी रमेश जारकिहोली ने कहा। तो उन्होंने जो भी कहा कुछ उसके अंश आप देख सकते हैं। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा, देखते रहे इत्तेहाद न्यूज़। शुक्रिया, अल्लाह ರಾಜಕೀಯ ಬರ್ತೈತಿ ಹೋಗೋದು ಮಂತ್ರಿ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತು ಬೇರೆ ವಿಷಯ, ನನ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ವಾಪಸ್ ಬರಬೇಕು, ನನಗೆ ರಾಜಕಾರಣ ನನಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ, ನನ್ನ ಕುಟುಂಬದ ದೊಡ್ಡ ರಾಜ್ಯ ಮಾಡ್ತ ನಮ್ಮದು, ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ವಾಪಸ್ ಬರಬೇಕು, ಇಷ್ಟೇ ನಂದು ಉದ್ದೇಶ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಇಲ್ಲ, ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಇಲ್ಲ, ಒಬ್ಬಿಬ್ಬರು ಮಾತ್ರ ಅದಾರ, 1 2 3 4 ಹೇಳಕ್ ಬರ್ದು ಸ್ವಾಮಿ. ನೀನು ಸಮಾಧಾನ ಮಾತ್ರ ಕೊಡ, ನೀನು ಸ್ವಲ್ಪ ದಯವಿಟ್ಟು ಮಾತಾಡ, ಸಮಾಧಾನ ಮಾತಾಡ. ನೀನು ಹೇಳ್ತೇನೆ, ನಾ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಇದು ರಾಜಕಾರಣ ಅಲ್ಲ, ಇದು ರಾಜಕಾರಣ ಅಲ್ಲ, ರಾಜಕಾರಣ ನೋಡಿ ನಾ ಹೇಳಂಗ ಹೇಳಕ್ ಕೊಡು ಸ್ವಾಮಿ. ನಾ ಕೋರ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಇಬ್ಬರು ಸೀನಿಯರ್ ಲಾಯರ್ ಬರತ್ತಾರ, ಇಲ್ಲಿ ಲೀಗಲ್ ಟೀಮ್.